हम स्पेशल दिल्ली से आए। हाँ, हमारे दो बच्चों का दोनों का क्लियर हो रखा है। बहुत दुख होता है बच्चों को देख के, दिन रात बच्चों ने मेहनत करके, दिन रात एक करके, हम साक्षी है खुद अपने बच्चों के। नहीं तो नौकरी तो दिल्ली में नहीं कर सकते थे, क्यों? हमने अपने हिमाचल सरकार में, हिमाचल अपने घर में जाएंगे, अपनी नौकरी वहाँ करेंगे, आराम से रहेंगे। और अभी चार साल हो गए, चार सालों में बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही, रिजल्ट नहीं दिए जा रहे। चार सालों से बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, जबकि इनका हक है अपने दफ्तरों में काम करे, सरकार का सहयोग करे, और ये दर दर की ठोकरे खा रहे हैं बच्चे। तो आपको आना पड़ा है आज? स्पेशल हम आए, स्पेशल आए, हम दिल्ली से आए स्पेशल, बच्चों के लिए आए स्पेशल। चलो सबका, ये सारे बच्चे हमारे बच्चे, स्पेशल फोर्स मेरी, अभी तो हम ही आए, अब आने वाले समय में सब पेरेंट्स आएंगे। हमारे को इसे इलेक्शन से पहले हमारे को रिजल्ट क्या कसूर है, इन्होंने क्या किया? ईमानदारी से पेपर निकाले तो आजाद हो चुके अपनी बेल लेके। ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का कसूर क्या है? क्या वो क्राइम करने के लिए परमिशन ले रहे हैं आपसे? जो तो क्राइम करने वाले बंदे थे वो तो आजाद होके घूम रहे, और हमारे बच्चे सड़कों पे चार साल पे दर दर की ठोकरे खा रहे। हम ये चाहते कि जल्दी से जल्दी उनको इंसाफ दो, वरना ये ना सोचना कि 4-5 हजार है, उसके साथ पूरी फैमिली जोड़ना, रिश्तेदार जोड़ना, जान पहचान जोड़ना, गली मोहल्ला जोड़ना। हम इतनी बड़ी तादाद में हो जाएंगे कि कांग्रेस का फिर नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि हमारी मिन्नतें करने की हद पार हो चुकी है। हम ये चाहते कि जल्दी जल्दी इन सभी बच्चों को इंसाफ मिले, यही मेरी बात। मैं जाठिया देवी से हूँ जी। मैं कितनी परेशानी है बच्चे ने बड़ी, बहुत मेहनत से मेरा बच्चा यहाँ तक पहुँचा है, और सभी के बच्चे जो मतलब मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि इलेक्शन से पहले सीएम सर ने बोला था कि जल्दी हमें वोट दो, हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी देंगे, और अब जो एक साल बीत चुका, यहाँ पर बच्चे आते हैं भूखे प्यासे दूर से, उनको ना रहने की सुविधा होती, ना खाने की सुविधा होती, और उनको नजर नहीं आता क्या? और वोट मांगने के लिए तो झुंड के झुंड घर में घुसते, और जब हमारी हमने उनको चुना है ना अपने काम करने के लिए, तो अब जो हमारे को नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? अपने सचिवालयों के सामने खड़े भी नहीं होने दे रहे, ना हमारी सुनवाई कर रहे, तो हमारा क्या अपराध है? हमारे बच्चे जो है मतलब कोई क्राइम करना चाह रहे कि सब जा रहे उनके पास परमिशन ले, कोई रेप करना चाह रहे, कोई मर्डर करना चाह रहे, या कोई तस्करी करना चाह रहे, तो उसके बावजूद जब वो मेहनत से नौकरी पाना चाह रहे तो क्यों अडंगे लगा जा रहे? और बहुत से मंत्री हो गए जो बच्चों को अकेले बुलाते हैं अपने कैबिन में, बाहर ओपन क्यों नहीं करते वो बात, और कैबिन में बुला के फिर दबकाते हैं बच्चों को। आज हमारे सामने आए, जिनको भी जो भी दिक्कत है हम उनसे बात करेंगे, हमारे सामने आके बात करेंगे। बहुत दुख हो रहा है, हद से ज्यादा। 87 में कांग्रेस और हमारे कई आदमी वहाँ शहीद हो गए, कांग्रेस की सरकार थी वो, मैं साक्षी हूँ, मैं श्रीलंका में मैं था, जाफना में 3 साल तक हम रहे वहाँ पर, हमने लिट्टो के साथ हमने लड़ाई लड़ी है ना। चाहे आप छानबीन कर सकते हैं सीएम साहब, मेरा नाम 10 पैरा स्पेशल फोर्स का हूँ, मैं 10 पैरा स्पेशल फोर्स का कमांडो है, मेरा नाम राजेश कुमार है। आप चाहे इंक्वायरी कर सकते हो कहीं भी कि ये 10 पैरा स्पेशल फोर्स का झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं श्रीलंका में 3 साल रहा, कारगिल हमने 99 का लड़ा, और हमारे बच्चों के यहाँ पर अब ये इन सब बच्चों के साथ इन्होंने क्या कसूर कर रखा है जो यहाँ पर ये सड़कों पे आज बैठे हैं? नहीं तो इनको होना चाहिए था कहीं कुर्सी पे बैठे रहते और सरकार के सहयोग करते, आगे बढ़ाने में, देश की आगे बढ़ाने में योगदान करते, है ना। विक्रमादित्य मंत्री, उन्होंने बिल्कुल ठंडे, उससे मीठी मीठी बात तो करते हैं वो, लेकिन वो ग्राउंड पे धरातल पे कुछ नहीं उतरता है, बिल्कुल भी सही नहीं उतरता, बिल्कुल वो विक्रमादित्य है, लेकिन अब ठीक है आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कोई ग्राउंड पे उनका कुछ भी दिखाई नहीं देता उनका कि भाई ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और हाँ, और यहाँ भी लड़ाई लड़नी पड़ी है बॉर्डर पे, और हम तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक, क्योंकि हम मरने से डरते नहीं है। हमारा हौसला वही बुलंद है, बेशक 60 साल उम्र है हमारी, लेकिन बुलंद वही हौसला है हमारा। हाँ, खुशी हुई थी जब बेटे का लगा था कि अब हमारे दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है इसके अंदर 817 में, लेकिन ऐसी बात नहीं बोलता उनका नहीं है, बोलता इन ये बच्चे भी हमारे हैं, उनसे पहले बेशक उनका ना हो हमारे वालों का, लेकिन इनका हो जाना चाहिए, ठीक है। जिनका पेपर निकला हुआ है उनको आप करो, उनको ज्वाइनिंग दो, उनका वो करो। हर एक बच्चा तो नहीं आ रहा ना यहाँ पर, हर एक आदमी खड़ा नहीं हो रहा है यहाँ पर आके, हैं, हर एक बच्चा नहीं हो रहा है यहाँ पर आके खड़ा, वो तो वही रहा है ना जिसको दुख होगा, हैं, अब तो वही बात हो गई, आपने न्योता तो दे दिया,
है ना, न्योता तो दे दिया है, वैकेंसी निकाल ली और न्योता दे दिया घर पे, भाई आना है हमारे घर में, ये फंक्शन है, दरवाजा आप खोल नहीं रहे, उनको मार रहे हो, आपने वैकेंसी तो निकाल ली है ना, और सब कुछ, और फिर आप आगे आके आपके पास आ रहे हैं नौकरी मांगने के लिए, आप उनको भगा रहे हो और आप उनको धुतकार रहे हो, तो ये काय का इंसाफ है। हाँ हाँ, दुख बहुत होता है जी, बहुत दिल में दुख होता है ना, बहुत दिल में दुख होता है। सर आज पहली बार नहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी में, मैं आज 13वीं बार यहाँ पर आया हूँ। आज परिस्थिति ये हो चुकी है कि अभ्यर्थी तो अपने रिजल्ट की मांग करने आ रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के माता पिता सड़कों पर आ रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं ऐसी, किस मजबूरी के कारण माता पिता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्योंकि उनके अंदर दर्द है कि जिन्होंने अपने पूरे मेहनत की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया था, आज उनके बच्चे किसी और की गलती से सड़कों पर खड़े हैं। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है जहाँ पर जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है, परंतु पूरे भारत में 35% बेरोजगारी दर के साथ पहले नंबर पर है। क्या ये है व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश सरकार का, कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार 35% बेरोजगारी के साथ हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर है? आज मैं आपको परिस्थिति बताना चाहता हूँ कि जो मेन दोषी थी, जो मेन कल्प्रिट थी उमा आजाद, उनको कोर्ट ने हर केस में बरी कर दिया है, जमानत दे दी है। आज दोषी कौन हुआ? दोषी हुए तो वो लोग जिन्होंने पेपर बड़ी मेहनत से पास किया था। तो क्या हमारी गलती थी? जो तो गलती करने वाले थे और सड़कों पर आराम से घूम रहे हैं, उनके बच्चे आराम से वहाँ पे अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन दोषी कौन हुआ? आज हम हुए। आज हमें बताओ कौन दोषी है? आज ये माता है हमारे साथ आई है, इनकी, ये दिल्ली से यहाँ पे पहुंचे, इनके हस्बैंड आर्मी में, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, इनके पति आर्मी में बाहर सीमाओं पर रहते थे, उसके बावजूद कष्टी करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को यहाँ तक पहुंचाया, इनके दोनों बच्चों का टेस्ट क्लियर है जो IIT 817 का, परंतु आज अंतिम परिणाम नहीं निकल पा रहा है। आज ये दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे हैं अपने बच्चों के रिजल्ट की मांग करने के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में ना कभी थी ना कभी होगी कि माँ बाप को अपने बच्चों की नौकरी मांगने के लिए आना पड़ रहा है। जो युवा आज कुर्सियों पर बैठना चाहता था, जो हिमाचल प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता था, आज वो युवा हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर है। इसके पीछे कौन है? आप कहते हैं कि विजिलेंस की जांच चल रही थी, मैं कहता हूं कि विजिलेंस की जांच पिछले 1.5 साल से चल रही थी, कितने लोग पाए गए? 5 या 6 लोग। जब लॉ डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि 7 लोगों को बाहर करके रिजल्ट दिया जाए, तो गलती कहाँ है? पिछली बार कहा गया था कि अगली कैबिनेट में आपका मुद्दा कैबिनेट में लिया जाएगा, लेकिन यदि आज कैबिनेट में हमारा मुद्दा सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो आज से यहीं पर आमरण अनशन होगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी में। उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है, हिमाचल प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, हिमाचल प्रदेश के मंत्री जिम्मेवार है, और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जिम्मेवार है जिन्होंने हमसे वोट लिया था, हमने वोट का सपोर्ट किया। आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, परंतु उस सरकार ने हमसे मुंह फेर लिया है। आज हमारी गलती बता दी है कि हमारी गलती है कि हमने पेपर पास किए अपनी मेहनत से, 5-5 वर्षों तक लाइब्रेरी में बैठे रहे, किस लिए? कि आज हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़े। आज हमने पेपर इसलिए पास नहीं किए थे कि हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़े, आज पेपर हमने इसलिए पास किए थे कि आज हम अपने माता पिता का सहारा बने, लेकिन हम अपने माता पिता का सहारा नहीं बन पा रहे, उनके ऊपर उल्टा बोझ बन पा रहे, परंतु गलती किसकी थी? गलती औरों की थी, लेकिन बोझ हम अपने माता पिता पर बनते जा रहे हैं, ना हम अपने समाज में शक्ल दिखा पा रहे, ना अपने माता पिता को सवाल। आज मैं वहां से वापिस जाता हूं तो मेरी मम्मी बार बार कॉल करती है कि बेटा क्या हुआ, तो मम्मी को मैं बोलता कुछ नहीं, लेकिन मेरी खामोशी उनको सब कुछ बता देती है कि आज भी वही हुआ जो पहले होता है, अब तो हमें या तो रिजल्ट दे दो या फिर जहर दे दो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये माता हमारे साथ आई है, इनसे पूछो कि क्या दर्द है इनके बच्चों का।